हेलो, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तुम लोगों को तुम्हारा भाई इतना प्यारा लग रहा होगा, नहीं लग रहा ना? अच्छा चलो, आज का मैं तुम लोगों को सेम बताता हूँ। आज जो मैं मिलने जा रहा हूँ और आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ अपने उस दोस्त से जो मेरा बचपन का दोस्त है, लेकिन हम बचपन में लापता हो गए थे क्योंकि उसको गोरो का पसंद था, इसलिए वो गोरो के गाँव में चला गया। समझ रहे हो ना, यानी कि बाहर मुल्क को चला गया था, ठीक है? तो वो आया हुआ है, तकरीबन कल का वो आया हुआ है और आज मैं जा रहा हूँ उसकी तरफ क्योंकि आपको पता है बारिश वगैरह जो हो रही थी ना उससे काफी ज्यादा, जो मई जून आज मेरे हमें फर्स्ट जून है। तो आज यार पीछे से शोर आ रहा है, उसको इग्नोर मार, आज फर्स्ट जून है और मैं कहता हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी नहीं है, बारिश जो हो रही है उसकी वजह से मौसम इतना प्यारा हुआ है, दिल गार्डन हुआ है। बाकी अभी चलते हैं, मैं तैयार हो गया था, तकरीबन 5 बजे और अभी थोड़ी देर तक ना रात हो जाएगी। मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज अपने और तुम लोगों को मिलवाते अपने उस लंगोटिया यार से जिसको मैंने भी तुम लोगों को बताया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं ना, तो आप लोगों को खुद ही आइडिया दो तीन साल पहले यहाँ पे ना, मतलब कि सिर्फ ना दो ही घर थे, ठीक है? एक उनका और एक उनके साथ उनके मतलब के कोई रिश्तेदार हो, लेकिन अभी माशाल्लाह पूरी गली घर से भर चुकी है और रास्ते में मेरे साथ ना बहुत कोई हैवी पार्ट हुआ है। देखो सारे शोज गंदे हो गए, हमारा पाकिस्तान पता नहीं कब ठीक होगा। खैर छोड़ो, अभी मैं जाता हूँ उनके घर क्योंकि मैं उनके गली में आ गया, लेकिन उनके घर अभी तक नहीं गया। उनके घर के आगे ना कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छा मैं जैसे ही आया हूँ ना घर, ठीक है, ये चवल है ना ये घर में था ही नहीं। मैं आप लोगों को दो बंदों से मिलवाता हूँ, दो बंदों से। अस्सलाम वालेकुम, ये जैकेट पहने भी है बाबा जी, सर्दी है जून का महीना। अच्छा ये हसन है और ये अली है, ये ना दोनों भाई हैं। ये दोनों आपस में भाई हैं, लेकिन इसकी शक्ल और उसकी शक्ल आपस में मिलती नहीं। आप लोगों के माइंड में भी क्वेश्चन होगा, यार मैं तो दोस्त हूँ, मुझे पता है ये दोनों भाई हैं। अब आप लोग कह रहे होगे यार ये दोनों आपस में भाई कैसे हैं, क्योंकि इन दोनों की शक्ल नहीं मिलती। बात तो सही है, यही मतलब होता है भाइयों का। A few moments later. यार मैंने आप लोगों को एक नमूने का बताया था, ठीक है, एक तो मतलब भाई है, अब मैं आप लोगों को दूसरे से मिलवाता हूँ। अभी तो मैंने आप लोगों को गजनी लाइन। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से क्या गीगा मॉल, वो चेक करो। ये इतनी बड़ी किश्ती नजर आ रही है जहाज, सुनो जरा, मुझे अंडे वाला बर्गर। मुझे अंडे वाला बर्गर। काफ़ी ज़्यादा देर गुजरने के बाद ना अब मुझे दौरे पड़ रहे हैं घर जाते हुए, क्योंकि बाहर का जो मौसम, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश वगैरह, मौसम काफ़ी ख़राब हुआ है। आपको मैंने बताया था अल्लाह ताला की शान है, माशाल्लाह जून में भी ठंड वाला मौसम हुआ है। इस मिसली ने सुबह जैकेट पहनी भी थी। अच्छा अभी ना खाना वगैरह आ गया और काफ़ी रात हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि जो बाकी का भी लोग वो सुबह कंटिन्यू करें, बाकी अभी खाना खाते हैं। राजी टेस्ट करके बताएं ना। और आप जाएं, मैंने सुबह जैकेट इसलिए पहनी क्योंकि मेरी तबीयत। आप लोगों को मैं वो चीज दिखाता हूँ जो आप लोगों ने ना बचपन में भी नहीं देखी होगी। अच्छा मतलब बचपन में क्या, पूरी जिंदगी में भी नहीं देखी होगी। इतनी बड़ी कभी रोटी चेक की है? दिस इज हसन के मुंह से तो बड़ी रोटी है यार। वाह जी वाह, साले तू। द नेक्स्ट डे, वेलकम बैक विद अनदर डे। आज है जुम्मा, अभी मैं जुम्मा पढ़ के आ रहा हूँ, ठीक है, और रात को मैं काफ़ी लेट हो गया था जिसकी वजह से मैं घर आ गया था। तो आज मैंने बड़ी कोशिश की छुट्टी काट लूँ, लेकिन बाबा जी रात को लेट होने की वजह से मुझे आज छुट्टी नहीं मिली। लेकिन कोई नहीं, अगर कोई शुगर लगता है तो यार दुकान में, तो दुकान में मैं क्या शुगर लगाया करूँ, दुकान पर सिर्फ मैं होती हूँ, गाड़ियाँ होती हैं और क्या है रहा, और कुछ भी नहीं। कोशिश करते हैं यार कोई मतलब कि इस तरह का कोई सीन वगैरह हो जिसमें शुगर मेरा लगा करे। यार मैं कोशिश कर रहा था कि आज मेरी छुट्टी हो जाए, हुई नहीं है यार, बड़ी कोशिश की है, सच्ची बात है। घर होता हूँ कोई संगी यार मिल जाता है, किसी को पकड़ लेते हैं घर में, कोई शुगर वगैरह लग ही जाता है। लेकिन अभी दुकान पर क्या बंदा किसके साथ टकरे मार रही थी, इधर टकरे मारे, इधर नहीं बल्कि इधर मारे। मस्त प्लान है। One eternity later. After a long time, पूरा दिन गुजरने के बाद अभी आप लोगों का भाई हाजिर होके नजर आ रहा है, ठीक है। पता है क्या मतलब कि पूरा दिन ना मेरा बिल्कुल कुंवारी में गुजरा, फारग तरीन गुजरा है। अभी तकरीबन रात हो रही है, काफ़ी रात हो चुकी है। मैं और दानियाल आए हैं कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि घर वाले तो हमें कुछ देते नहीं है वैसे भी, तो इसीलिए हमें बाहर से खाना खाना पड़ता है। बाकी अभी मैंने ऑर्डर वगैरह दिया है, ऑर्डर किस चीज़ का दिया, जब वो आएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा, तब तक के लिए इंतजार करो। तब तक के लिए तुम्हारे मुंह में भी पानी आए ना, इसलिए इंतजार करो थोड़ा, ठीक है? समझ गया। फाइनली जो ऑर्डर वगैरह थे वो आ गए, ये हमने मंगवाया है। लास्ट टाइम अगर तुम लोगों को पता हो तो हमारे साथ पार्ट हुआ था एक मोमो वाला, ये वो वाला सीन, ये शवारमा भी नहीं, ये है रोल पराठा, ठीक है। तो अभी बस इसका ज़रा टेस्ट वगैरह करते हैं। लास्ट टाइम हमने इधर से नहीं खाया, देखो ये लोकेशन चेंज,
अभी टेस्ट करते हैं तुम लोगों के मुंह में पानी वगैरह आ रहा होगा ना। A few moments later. यार अब टाइम हो गया वहां से आने के बाद। हम लोग गए थे कोयटा कैफे, ठीक है कैफे दूसरे वाला कैफे नहीं, तुम लोग रेड लॉन्च उठा के बता दो। रेड लॉन्च चले गए, नए नए कोयटा कैफे गए थे चाय शाय पीने के लिए। बाकी अभी इसको देते हैं इजाज़त। अभी मैं भी चलता हूँ घर। और मेरे हाल में मुझे अपना ना ये वाला छोटा सा जो व्लॉग था जो 3 दिन में मेरा ख़त्म हुआ है इसको यहाँ पे ना ख़त्म करना चाहिए। तो बाकी मिलते हैं हम लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना, बाकी इसी तरह दिखाते रहना अपनी सपोर्ट वगैरह। मेरे से तो कोई गलती हुई तो उसके लिए रियली सॉरी। फी मानी ला, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।